हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और अच्छी सेहत से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी खूबसूरत मौसम से लुत्फ अंदोज होंगे और घर में महफूज रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपको हमेशा कामयाबी और सेहत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने घरों और काम की जगहों पर अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि हम अपने मकासद के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखे हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सब के लिए मुश्किल वक्त है। COVID-19 वबाई बीमारी ने हम सबको मुख्तलिफ तरीकों से मुतासर किया है, लेकिन इस सब के जरिए हमें अपने ईमान को मजबूत रखना और एक दूसरे का साथ देना याद रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब महफूज और सेहतमंद रहने के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे होंगे, चाहे आप घर पर हों या काम पर। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मुस्बत रहने और इस वक्त से ज्यादा फायदा उठाने के। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप मुस्बत रहने और इस वक्त से ज्यादा फायदा उठाने के तरीके तलाश कर रहे हैं। याद रखिए कि कामयाबी बहुत सी शक्लों में आती है और ये कि जब हम अपने मकासद के लिए काम करते हैं तो अपने आप और दूसरों के लिए मेहरबान होना जरूरी है। अल्लाह ताला हमारे सफर में हमारी रहनुमाई करता रहे और वो हमें अच्छी सेहत, खुशी और हर काम में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और अच्छी सेहत से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी खूबसूरत मौसम से लुत्फ अंदोज होंगे और घर में महफूज रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपको हमेशा कामयाबी और सेहत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने घरों और काम की जगहों पर अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि हम अपने मकासद के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखे हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सब के लिए मुश्किल वक्त है। COVID-19 वबाई बीमारी ने हम सबको मुख्तलिफ तरीकों से मुतासर किया है, लेकिन इस सब के जरिए हमें अपने